तो हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे एक और प्रॉब्लम का सलूशन। तो बाइक है दोस्तों, अपाची RTR 160 है, 4V है, यानी कि चार बल्ब वाली गाड़ी है। तो दोस्तों बाइक में प्रॉब्लम ये है कि बाइक को 1 घंटे रख दो तो बाइक स्टार्ट नहीं हो रही है, और इसमें दोस्तों किक भी नहीं है कि आप ज़्यादा कोशिश करोगे, और सेल्फ तो दोस्तों उठा ही नहीं रही है। मैं आपको दिखा देता हूँ। तो दोस्तों बाइक जो है स्टार्ट नहीं हो रही है, और ये प्रॉब्लम आपको किसी भी बाइक में देखने को मिल सकती है। तो इस प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन किस तरीके से निकाला जाए, वो चीज़ मैं आपको इस वीडियो में बता दूंगा। तो गाइस, सबसे पहले तो हम इस बाइक के टैंक उतारेंगे, ठीक है, क्योंकि टैंक उतारे बिना दोस्तों इस समस्या का हल नहीं मिलेगा। तो देखो दोस्तों, मैंने टैंक जो है दोस्तों उतार लिया है, और यहाँ पे इस कवर को जो है दोस्तों हमें खोलना होगा। कवर खोलने के बाद दोस्तों इसकी टाइपिंग जो है हमें सेट करनी होगी। तो सबसे पहले हम इसका कवर जो है खोल लेते हैं, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि कौन सी टाइपिंग सेट करनी होती है और कौन सी सही है। तो यहाँ पर मैंने इसका कवर दोस्तों निकाल लिया है। अब मैं आपको सबसे पहले तो दोस्तों टाइपिंग सेट करने के लिए हमें टाइमिंग जो है मिलाना होता है। तो यहाँ पे आप मैग्नेट में कांटा देख सकते हो, यहाँ पे एक लकीर छोटा सा दिखाई दे रहा है, उसका मतलब है दोस्तों कि टाइमिंग मैग्नेट का जो टाइमिंग है वो टॉप पे है, और यहाँ पे एस पॉकेट का जो टाइमिंग होता है वो टॉप पे है। यहाँ पर मैंने मिला लिया है, कटिंग आप देख पा रहे होगे। तो यहाँ पर दोस्तों आउटपुट वाली जो टाइपिंग है वो देखो बिल्कुल लूज है, यहाँ से कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों। यहाँ पे देखो हल्की हल्की हिल रही है, तो यहाँ से दोस्तों सेट नहीं, ये वाली जो है सेट नहीं करनी है हमें। यहाँ पे ये वाली देखो इनपुट वाली जो टाइपिंग है वो देखो काफ़ी ज़्यादा टाइट है, तो यहाँ से दोस्तों कंप्रेसर लीकेज करेगी और बाइक जो है स्टार्टिंग बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करती है, ठीक है। तो ये वाली चीज़ जो है, ये वाली टाइपिंग जो है हमें लूज करनी होगी, तभी जाके बाइक की जो है स्टार्टिंग है वो बिल्कुल सही होगी। तो टाइपिंग जो है सेट करने के लिए हमें चाहिए 9 नंबर का जो है रिंच चाहिए, उसके बाद एक टाइपिंग पुलर चाहिए, और किस तरीके से दोस्तों सेट करेंगे वो भी आप यहाँ पे देख सकते हो। तो यहाँ पे सबसे पहले लूज करना है दोस्तों, उसके बाद ये वाली जो है पुलर लगा के खोल लेनी है, और जहाँ पे भी फ्री हो जाता है वहाँ पर रोक के, जहाँ फ्री होता है वहाँ पर रोक के दोस्तों इसकी जो है नटें जो है वो टाइट कर लेंगे। दोनों आपको मिलानी होंगी क्योंकि दोनों दोस्तों लीकेज कर रही थी, ठीक है। दोनों कंप्रेशर वॉल्व जो है टाइट पड़ी हुई थी, इसलिए बाइक जो है स्टार्टिंग बहुत ज़्यादा दिक्कत कर रहा था। अब यहाँ पे मैंने दोनों को मिला लिया, और यहाँ पे देखो थोड़ी सी एकदम हल्की सी हिल रही है, स्पेस आ गई है, तो अब हम बराबर इसको टाइट कर लेते हैं। देखो अब मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ से आपको दिखाई दे रहा होगा कि थोड़ी थोड़ी दोस्तों हिल रही है, दोनों बराबर हिलनी चाहिए। तो दोनों जो है बराबर हिल रही हैं, तो यहाँ पे इसका काम हो जाता है दोस्तों सेट। अब मैं फटाक से इसका जो है कवर जो है दोस्तों कसता हूँ, और कसने के बाद टैंकी वैंकी लगा के मैं आपको स्टार्ट करके दिखाता हूँ कि बाइक जो है स्टार्टिंग प्रॉब्लम ठीक हुई या नहीं हुई। तो दोस्तों कसा गई है यहाँ पे, अब यहाँ पे मैं आपको स्टार्ट करके दिखाता हूँ। अभी मैंने पूरी नहीं कसी है बाइक को, पूरी नहीं कसी दोस्तों की बाइक जो है, पहले चेकआउट कर लेते हैं। तो यहाँ से देखो मैंने सेल्फ लगाया और बाइक जो एक बार में स्टार्ट हो गई, ठीक है। अब देखो दोस्तों, बस इतनी सी प्रॉब्लम थी और बाइक में स्टार्टिंग कितना ज़्यादा प्रॉब्लम आ गया था। मैं आपको दोबारा स्टार्ट करके दिखाता हूँ कि बाइक जो है स्टार्टिंग प्रॉब्लम सही हुई या फिर अभी भी वैसे ही है। तो यहाँ पे ऑफ कर दूँ, यहाँ देखो अब स्टार्टिंग जो है बिल्कुल सही हो गई है दोस्तों। तो दोस्तों ये वाली जो प्रॉब्लम है आपको किसी भी बाइक में मिल सकता है, ठीक है। तो आपको अगर ऐसी बाइक मिलती है तो इस तरीके से आप कंप्रेसर वॉल्व जो है बिल्कुल चेक कर लें, क्योंकि यहाँ से दोस्तों काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आता है। तो उम्मीद है दोस्तों वीडियो से कुछ ना कुछ सीखा होगा आपने। तो वीडियो करते हैं लाइक, और चैनल को करते हैं सब्सक्राइब। मिलते हैं।